आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति द्वारा आगामी दिनों में नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समिति द्वारा इस 24वें साल में साडा पंजाब की झांकी सेक्टर 2 बीएसएनएल चौक भिलाई में तैयार की गई है। माता दुर्गा की स्थापना विधि विधान से 15 अक्टूबर को की जाएगी। चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान आयोजन स्थल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे पहुँचे, साथ ही उनके समर्थक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए नवरात्र पर्व की बधाइयां शहर वासियों को दी। ये यहाँ कई दशकों से आदर्श नवयुवक दुर्गोत्सव समिति द्वारा दुर्गा पूजा मनाया जाता है। नवरात्रि का महापर्व आने वाला है, माँ दुर्गा की सब लोग आराधना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। शक्ति की आराधना करने के बाद शक्ति प्राप्त कर अत्याचारी और अनाचारी रावण का दहन होता है। ये दुर्गोत्सव समिति इस सेक्टर 2 में लगातार अपने नए नए नित्य तरीकों से लोगों को आकर्षक पंडाल बनाने की कोशिश करती है। अभी इन्होंने जैसे पूरे थोड़ा सा ग्रामीण अलग चित्रकारी पहरा थोड़ा पंजाब ये सब लुक दिया है और आप लोगों को पंजाब वाला खाना भी खिलाया है, हैं तो सब जो है बढ़िया। लोकतंत्र का पर्व तो हर व्यक्ति को उसमें भाग लेना चाहिए और लेते ही हैं, लेकिन जो लोग अगर नहीं लेते उनसे मेरा ये अपील है कि ये 5 साल में एक बार आपको अवसर आता है आपको अपने अनुसार जनप्रतिनिधि चुनने का, अपने अनुसार सरकार चुनने का और लोकतंत्र में समझदार लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो लोग अगर इस लोकतंत्र के महापर्व को नहीं समझते हैं वे दूसरों को समझाए कि वे वोट ज़रूर देने जाए और लोकतंत्र में जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हो उसके खिलाफ भी मतदान करें। इस एशियन के माध्यम से मैं सारे भिलाई शहरवासियों को दुर्गोत्सव की ढेर सारी बधाई देता हूं और इस पर्व को सब लोग खूब उल्लासपूर्वक मनाएं, यही शुभकामना है।